अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेंड्स हब। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप के आइडियाज़ कि कैसे करवा सकती हैं अपने ब्राइडल डे को एक मेमोरेबल डे अपने खूबसूरत से एलिगेंट से लुक के साथ। इस वीडियो में आपको जितने भी ब्राइडल मेकअप दिखाए गए हैं वो लेटेस्ट हैं और ट्रेंडी हैं, 2020 फैशन के हैं और बेस्ट मेकअप हैं। इसमें डिफरेंट पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनके मेकअप के आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए हैं, जिनमें किंजा हाशमी, दीपिका पादुकोण, आयशा खान और भी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जिनके मेकअप हमने आपके साथ शेयर किए गए हैं, जैसे कि उर्वा हुसैन आ जाती हैं, हीरा मानी और भी बहुत सी एक्ट्रेसेस, अलीज़े शाह, बहुत प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके ब्राइडल मेकअप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हम इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, फुल टिप्स देंगे कि कैसे कर सकती हैं अपने ब्राइडल डे को बहुत ही खूबसूरत अपने खूबसूरत से लुक के साथ। इस वीडियो में आपको जितने भी ब्राइडल मेकअप देख रहे हैं उनमें जो आई मेकअप है उनमें ज़्यादातर गोल्ड कलर यूज़ किया गया है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं जितनी भी ब्राइडल्स होती हैं उनकी जो ब्राइडल ड्रेस होता है या उनका जो लहंगा होता है उसमें गोल्डन कलर लाजमी होता है, गोल्डन का टच लाजमी होता है। सो आप अपने आई मेकअप में गोल्डन का टच लाजमी करवाएं एज़ कम्पेयर टू सिल्वर टच के साथ। आप गोल्डन टच को लाजमी प्रेफर करें और उसके साथ आप कर सकती हैं 3D लैशेज़ को यूज़। 3D लैशेज़ भी काफ़ी ज़्यादा फैशन में इन हैं, जैसे कि काशीज़ हैं उनकी 3D लैशेज़ भी हैं और भी बहुत सी 3D लैशेज़ आपको ऑनलाइन सर्विस से भी मिल जाएगी और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। और जो अगर आप 3D लैशेज़ जब यूज़ करती हैं वो एक आईज़ को एक खूबसूरत सा लुक दे देता है और आईज़ आपकी बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं और हर ब्राइडल चाहती है कि उसकी आईज़ जो हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी लगें। और इस वीडियो में आप डिफरेंट मेकअप्स देख रहे हैं, आप इनमें हाइलाइटिंग देख सकते हैं, इनमें आप कंटूरिंग देख सकते हैं और इनमें से आपको जो मेकअप अच्छा लग रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उस सैलून पे जहाँ से आपने तैयार होना है आप अपनी उस सैलून पे दिखाएं कि आपने इस टाइप का मेकअप करवाना है तो आप मेकअप करवा सकती हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट फीचर्स वाली जो गर्ल्स हैं उनके जो ब्राइडल मेकअप हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं ताकि आपको भी आइडिया रहे। अगर आप कुछ दीपिका पादुकोण जैसा मेकअप करवाना चाहती हैं तो वो भी आप करवा सकती हैं, जैसे कि काजल वाला मेकअप। कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ ब्राइडल्स ऐसी भी मैंने देखी हैं जिन्हें काजल बहुत अच्छा लगता है और सीरियसली वो काजल अगर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है तो काजल अपने मेकअप में लाजमी करवाएं। स्मोकी टाइप का मेकअप में वो जा सकती हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण ने किया था अपने ब्राइडल डे पे, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उसके साथ साथ लेकिन कुछ ऐसी भी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपना जो है वो ज़्यादा नहीं किए थे, जैसे कि इकरा अजीज़ को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने अपना जो ब्राइडल डे था उस पर मैट मेकअप यूज़ किया गया था। लेकिन डिफरेंट एक्ट्रेसेस हैं जो कि शिमरी मेकअप यूज़ करती हैं, हाइलाइटिंग बहुत ज़्यादा करवाती हैं। ब्राइडल मेकअप में अगर हाइलाइटिंग ज़्यादा हो तो आपके मेकअप पे एक ग्लो आ जाती है, आपके फेस पे ग्लो आ जाती है और वो अच्छा लग रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हमने ब्राइडल मेकअप की जैसे कि वीडियो आपके साथ शेयर की गई है, साथ में ब्राइडल ड्रेसेस की वीडियो भी शेयर की गई है। सो आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको आइडिया हो। So hope you like the video. If you like the video, so please subscribe our channel, like and